अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बारबेक्यू सैंडविच की रेसिपी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। बारबेक्यू सैंडविच बनाने के लिए हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन के, मैंने ऐसे फिले लिए हैं। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दही 1/2 कप, हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब लेमन जूस मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। पिसी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून हमने रेड चिली शामिल कर दी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला। गरम मसाला इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। वन टीस्पून भुना कुटा धनिया। वन टीस्पून भुना कुटा जीरा। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें जायफल जावित्री ऐड करेंगे। वन फोर टी स्पून जर्दे का कलर ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर दी हैं। अब मैं इसको क्लिंग रैप करके मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी रूम टेम्परेचर पे, फिर इसको मैं फ्राई करूंगी। चिकन को आधा घंटा हो गया है मैरिनेट हुए हुए, अब मैं इसको कुक करूंगी। कुक करने के लिए मैंने ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून। कोई भी एक पैन ले लें, फ्लेम को ऑन करें और इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल के ये चिकन इसके अंदर हल्का से ये गरम हो जाए। ऑयल को अच्छी तरह फैला लें। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो ये चिकन का फ्लेम इसके अंदर ऐड कर दें। थोड़ा सा ये मसाला भी ऐड कर देंगे जैसा। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको डालने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी। ये दही के पानी में कुक हो जाएगा। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। चिकन कुक हो गया है। अब मैं इसके अंदर कोयले का धुआं दूंगी। इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी और इसको कवर कर दूंगी। अब
अब मैं चिकन को काट लूंगी। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं, वरना आप छुरी से इसके छोटे छोटे पीस कर लें। चिकन को मैंने देखें काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इसके। अब मैं इसको एक प्लेट में रख के मैं बारबेक्यू सैंडविच की असेंबलिंग करूँगी। उसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसके कॉर्नर्स को मैं अभी कट करूँगी। एक मैंने टमाटर स्लाइस में कट कर लिया है, एक ही मैंने अनियन लिया है इसको भी मैंने कट कर लिया है। मायोनीज हस्बी ज़रूरत, चिली गार्लिक सॉस लिया है मैंने, आप चाहें तो कैचअप भी ले सकते हैं। और चिकन मैंने अभी जो कट किया था ये वो है। अब सबसे पहले मैं ब्रेड के स्लाइस के कॉर्नर्स को कट करूँगी। इस तरीके से इसके कॉर्नर्स को कट करेंगे। पर इसमें मैं मायोनीज लगा दूंगी। मायोनीज के ऊपर मैं चिकन रखूंगी, मैंने अभी तैयार किया है आपके सामने। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं दूसरा स्लाइस रखूंगी। अब इसके ऊपर मैं चिली सॉस लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस है ये। ये लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर टमाटर की स्लाइस रखूंगी। प्याज रख दें आप, अगर आप चाहें तो सलाद पत्ता भी इसमें रख सकते हैं। अब थोड़ा सा और चिकन डालेंगे। थोड़ा और मैं इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, डाल के अब इसके ऊपर एक और पीस रख दूँगी। अब इसको हम ग्रिल करेंगे। इसको बटर से ग्रीस कर लें, अच्छा से इसका कलर आ जाए, तो फिर साइड चेंज कर दूंगी। देखिए कलर आ गया है, अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। इसको उतार लूंगी। ये देखें बारबेक्यू सैंडविच तैयार है। ये देखें दूसरी की भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे। यह है बारबेक्यू सैंडविच का फाइनल लुक, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये सैंडविच। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।